ओके, आज हमारे साथ हैं रका मैम, जो कि पोर्चुगीज लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। आपको मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप रका मैम से ये सुने कि एक लैंग्वेज या दो लैंग्वेज या तीन लैंग्वेज हम सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। दूसरी बात कि हमारे को करियर स्कोप क्या रहेगा, करियर स्कोप के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ रका मैम आपको बताएं कि इससे हमें डीमोटिवेशन ना मिले कि हम एक ही लैंग्वेज ही सीख सकते हैं, दो या तीन लैंग्वेज नहीं सीख सकते। बहुत बढ़िया सवाल था ये कि एक भाषा ही क्यों, और भी बहुत सारी भाषाएं हम सीख सकते हैं। तो ये मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस है, शुरुआत एक लैंग्वेज से होती है और हमारे भारतीय लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हम बचपन से ही कई सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगर कोई, जैसे मैं खुद वेस्ट बंगाल में मैं पैदा हुई तो मुझे बंगाली आती थी, उसके बाद स्कूल में मैंने हिंदी सीखा, इंग्लिश सीखा। तो ऐसा मैं ही नहीं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस ऑलरेडी स्पीक मोर देन वन लैंग्वेजेस। तो ये हमारे लिए बहुत नेचुरल है कि हम बहुत सारी भाषाएं पहले से ही सीखते हैं। तो ये है कि फॉरेन लैंग्वेज, जब हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन आया तो सबसे पहले मैंने पोर्चुगीज़ लैंग्वेज करी। पोर्चुगीज़ लैंग्वेज करने के बाद मुझे ये पता चला कि लैंग्वेज सीखने की कला आपको एक बार आ जाए, आपने ये सीख लिया कि आपको सीखना कैसे है, उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज बहुत आसानी से ग्रैस्प कर सकते हैं। तो चूंकि बचपन से ही हमने कई सारे लैंग्वेजेस सीखे थे, उसके बाद हमने फॉरेन लैंग्वेज भी सीखा, और फिर यूरोपियन लैंग्वेज में ये होता है कि पोर्चुगीज़ हो गया, स्पेनिश हो गया, ये सब बहुत सिमिलर है, इंग्लिश से भी बहुत सिमिलर है, आपस में एक दूसरे से भी बहुत सिमिलर है। तो इसलिए एक लैंग्वेज से शुरुआत करके आप आगे जाके मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं अपने कैरियर में, और फिर आपके अपने जिस भी कैरियर में आप करेंटली हैं या नया कैरियर अगर बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा लैंग्वेज आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑल राइट ऑल राइट। तो अभी तक जैसा आपने हमें बताया कि क्योंकि जैसे हम इंडिया में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखते हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेज भी होती है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये बहुत हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये भी मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी हरियाणा से हूँ तो थोड़ी बहुत हरियाणवी मैं बोल लेता हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे जैसे व्यूअर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कि जापनीज़ लैंग्वेज, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया हो कि वो डिसाइड कर पाए कि हमें एशियन लैंग्वेजेस की तरफ जाना है? क्योंकि मैंने भी सुना है, देखिए मैं खुद जापनीज़ लैंग्वेज पढ़ाता हूँ तो मुझे भी कई बार सुनने में मिलता है कोरियन लैंग्वेज है, जापनीज़ लैंग्वेज है, करियर पोर्चुगीज़ लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज वगैरह में भी बहुत अच्छा है, स्पेनिश लैंग्वेज में भी अच्छा है। तो आपसे मैं चाहता हूँ कि ना दो क्राइटेरिया सोच के आप मुझे इस बात का आंसर करें। पहली बात सैलरी, दूसरी बात ईज टू लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, बस ये दो एंगल से आप मुझे आंसर करें। देखिए, लैंग्वेज कौन सा सीखना है ये पूरी तरह आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में है कि ये अच्छा है और ये बुरा है तो उसको रूल आउट कर दीजिए, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं मार्केट में सीखने के लिए, और आप किस कैरियर में ऑलरेडी स्थित हैं या फिर नया कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल है वो आप अलग अलग फैक्टर्स, जैसे रवि सर ने बोला कि अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन फैक्टर्स के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि कौन सा आसान है सीखना। तो देखो, कुछ भी आप नया सीखोगे तो डिफ़िकल्टी लेवल उसमें आएगी, हो सकता है कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कम डिफ़िकल्ट हो, तो उस बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी कौन सा लैंग्वेज थोड़ा आसान है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, प्योरली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट जनरली ये होता है। तो पहले हम उस बारे पे बात करते हैं कि कौन सा आसान है। देखिए, पोर्चुगीज़ और स्पेनिश दो जो लैंग्वेजेस हैं दे हैव बिन अप्रूव्ड इन द वर्ल्ड टू बी वन ऑफ द ईजिएस्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। स्पेनिश बहुत ही आसान है सीखने के लिए, बहुत आसान है। पोर्चुगीज़ भी बहुत आसान है क्योंकि ये दोनों भाषा 80-90% सिमिलर है। स्पेन और पोर्चुगल नेबरिंग कंट्रीज है तो दोनों की भाषाएं बहुत सेम है। इसके बाद आते हैं जर्मन पे। जर्मन लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश से थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाषा डिफ़िकल्ट है, हम अपने रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या डिफ़िकल्ट है क्या आसान है। तो जैसे हिंदी है, हिंदी से पोर्चुगीज़ और स्पेनिश भी बहुत मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए पोर्चुगीज़ या स्पेनिश सीखना बहुत आसान है। जर्मन थोड़ा सा ज़्यादा अलग है इसलिए हम उसको डिफ़िकल्ट बोल देते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है, ये बात तो है। इसके बाद रशियन लैंग्वेज आती है, वो और ज़्यादा अलग हो जाती है।
फ्रेंच लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो फ्रेंच में ये है कि जिस तरह से आप लिखते हैं और उसको जब बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होता है उसका, ठीक है। इंग्लिश में जैसा है कि इंग्लिश में हम जैसा लिखते हैं ज़्यादातर वैसा ही बोलते हैं, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शंस, पर फ्रेंच में थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। जैसे हम एंटरप्रेन्योर लिखते हैं इंग्लिश में तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इस लाइन में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो ऐसे अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल पे रैंक करें तो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश सबसे आसान है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जर्मन, देन थोड़ा सा जाएंगे तो फ्रेंच, और सबसे ज़्यादा यूरोपियन लैंग्वेजेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल जिसकी हाई है वो है रशियन लैंग्वेज, क्योंकि उसका अल्फ़ाबेट भी बदल जाता है, अलग अल्फ़ाबेट यूज़ होता है। तो डिफ़िकल्टी की बात ये है। और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, कैटेगरी? ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। आपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा हमें समझाया, मुझे भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली, क्योंकि मेरा भी यही दिमाग में रहता था कि अगर यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल आसान से मुश्किल की तरफ मैं जाना चाहूँगा, सबसे पहले आसान को ही सीखना चाहूँगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सैलरी के हिसाब से अगर हम इस रैंकिंग को दोबारा से मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मान लीजिए मैं एक न्यू कमर हूँ, मैं एक नया लैंग्वेज सीखने चाहता हूँ, तो सैलरी के एंगल से मान लीजिए डिफ़िकल्टी लेवल से मुझे कोई लेने देना नहीं है, मुझे सैलरी के हिसाब से या इंडिया में या इवन फॉरेन कंट्रीज़ में कौन सी सैलरी बेटर रहे, मतलब कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी सैलरी के अकॉर्डिंग, और ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ भी किस में रहेगी, ये मुझे मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं। देखिए, सैलरी एक ऐसा पार्ट है जो पूरी तरह डिपेंड करता है कि मार्केट में उस लैंग्वेज की डिमांड क्या है और सप्लाई क्या जा रही है। किसी भी चीज़ का पैसा हम उसी चीज़ से डिसाइड करते हैं कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात पे मैं एक लैंग्वेज को बहुत अलग से हाईलाइट करना चाहूँगी, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज। ओके ओके। क्योंकि स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच सब ने सुना है, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। पोर्चुगीज़ एक ऐसा लैंग्वेज है जो शायद आप भी पहली बार इस पॉडकास्ट में सुन रहे होंगे, क्योंकि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज अभी भी लोगों को पता नहीं है, मार्केट में बहुत डिमांड है, सप्लाई नहीं है। हमारे पास ऐसे वैकेंसीज हैं अच्छी अच्छी कंपनी में, बड़े बड़े एमएनसीज में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, ओके, ऐसे एमएनसीज में ऐसे वैकेंसीज आती हैं जिनको फिल करने के लिए हमें कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। right. तो हम कोशिश करते हैं कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज को और बढ़ावा दें और इसकी प्रमोशन करें, मार्केटिंग करें, ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस बढ़े पोर्चुगीज़ लैंग्वेज की, क्योंकि जॉब्स इतनी सारी अवेलेबल है। अब पैकेज की बात करें तो पैकेज मैंने ऐसे बोला क्योंकि देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई है ही नहीं, तो डेफिनेटली पैकेज ज़्यादा जाती है, पैसा मिलेगा ही, क्योंकि डिमांड है, लोग नहीं मिल रहे हैं। तो पोर्चुगीज़ की स्टार्टिंग पैकेज 5 to 7 lakhs की होती है, स्टार्टिंग पैकेज। ओके, यहीं पे अगर हम स्पेनिश, जर्मन, रशियन की बात करें तो दिक्कत क्या है ना सर, कि इन लैंग्वेजेस में सप्लाई बहुत बढ़ गया है, डिमांड तो है, बहुत डिमांड है। स्पेनिश तो सेकंड फर्स्ट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आफ्टर चाइनीज, आई वुड से यूरोपियन लैंग्वेजेस में सबसे पहला स्पेनिश ही आता है। लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ऐसा नहीं है, स्पेनिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पर मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि स्पेनिश मत सीखो, पोर्चुगीज़ सीखो। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि पोर्चुगीज़ में डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम पे और बढ़ने वाला है। अगर हम स्पेनिश का सिनेरियो देखते हैं तो स्पेनिश में डिमांड तो है, आगे आने वाले टाइम पे भी डिमांड रहेगा, पर सप्लाई उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है। स्कूल में भी स्पेनिश सिखाई जा रही है, कॉलेजेस में भी स्पेनिश है, तो इसकी वजह से स्पेनिश बहुत सैचुरेट हो रहा है। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमने अपने इंस्टीट्यूट में भी देखा है कि जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाता है, इवन लेवल्स करने के बाद भी, ठीक है, इंटरव्यू लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको एक यूनिक स्किल सीखना है, हाई इनकम स्किल सीखना है, फॉरेन लैंग्वेज आपने डिसाइड कर ली कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना है, अगेन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, पर राइट नाउ इन 2024 अगर आपको ऐसे स्किल में इन्वेस्ट करना है जिसमें देखिए आपको टाइम भी उतना ही लग रहा है, आपकी फीस भी उतनी जानी है, पर आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, आपको कंपटीशन कम मिल रहा है, तो व्हाई नॉट चूज अ यूनिक ऑप्शन देन गोइंग इनटू समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन। तो अगर हम पैकेज की बात करें, अगेन डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड होती है, तो आप कोई ऐसा लैंग्वेज चुनिए जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई इतना नहीं है कि सबको पता चल गया कि यही लैंग्वेज करना है। आपने बहुत अच्छा हमें आंसर दिया और पूरा आपने एक्सप्लेन किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें नहीं भी पता होती, जिनको हम जानते भी नहीं हैं और जानना चाहते भी नहीं हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होता। जैसे छोटा सा आपका एग्जांपल देता, आपने मुझे बताया कि
इंग्लिश से भी ज़्यादा स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो लगता था कि इंग्लिश ही बोली जाती है। तो थैंक्स फॉर दिस आंसर। और फाइनली इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते समय मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ कुछ दो तीन चीज़ें आपसे मैं टिप्स लेना चाहता हूँ, जो कि आप कुछ शॉर्ट सेंटेंस में, शॉर्ट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन में दो तीन चीज़ें बता पाएँ कि एक तो फास्ट कैसे सीखा जाए, सैलरी, हाईएस्ट सैलरी को शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे कवर किया जाए, और हम गलतियां क्या क्या कर देते हैं। तो रवि सर, आपने जैसे बोला कि अच्छा जवाब दिया है, उसके लिए अच्छा सवाल भी पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अच्छा सवाल पूछते ही नहीं हैं ताकि जवाब निकल के आए। तो थैंक यू फॉर द ब्रिलियंट क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस जो आपने पूछा। पहली बात तो ये है कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम लैंग्वेज को आसानी से कैसे सीखें। पहली बात तो ये है कि लैंग्वेज को एज ए कोर्स मत लीजिए। जिस तरह से हमने स्कूल में एजुकेशन सिस्टम को देखा है कि किताब पढ़ लिया, जवाब दे दिए, कुछ आंसर्स रख लिए एग्ज़ाम में, ऐसा मत करिए लैंग्वेज के साथ। लैंग्वेज में, लैंग्वेज को अपनाना पड़ता है, यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन द लैंग्वेज। तो इसी तरह जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना आपस में, इसी तरह आप समझिए कि आप एक और भाषा में खुद को इंडल्ज करने वाले हैं, उसी भाषा में सोचने वाले हैं, उसी भाषा में बोलने वाले हैं। अनटिल एंड अनलेस यू डू दैट, जब तक आप वो नहीं करते तब तक आपके लिए एक भाषा एक राक्षस जैसा, एक डरावना कोई चीज़ बन जाएगी। yes. जो आप सीख नहीं पाएंगे। exactly, ठीक है exactly. सीख भी पाएंगे तो आप लेवल तक ही रहेंगे, आप कभी भी उसको अपना नहीं पाएंगे। तो एज लैंग्वेज ट्रेनर्स, हम दोनों लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं, तो हम सबसे अच्छा टिप आपको शायद मार्केट में कोई और नहीं बताए, पर हम अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बता रहे हैं कि लैंग्वेज को अपनाइए। लैंग्वेज को ऐसा मत समझिए कि मुझे बस एक कोर्स में मैंने एनरोलमेंट ले लिया और मुझे ये लेवल क्लियर करना है। ठीक है, लैंग्वेज को अपनाइए, लैंग्वेज को सीखिए, अपने टीचर की मदद लीजिए। दूसरी बात, बहुत कम समय में एक बहुत अच्छी सैलरी तक कैसे पहुँचे, तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम कोई भी कोर्स करते हैं एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए। exactly. तो देखिए, किसी भी कंपनी में आप अगर इंटरव्यू देंगे तो वो आपके इंटरव्यू के ऊपर ही जज कर लेंगे कि इस बंदे को कितनी सैलरी देनी है। ठीक है, ये बहुत सही बात है। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आपकी स्किल इतनी अच्छी हो कि आपको कोई बीट ना कर पाए। जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें आपने जो इम्प्रेशन दिया, मैनेजर या जो भी आपका इंटरव्यूअर है उसको लगे कि मेरे को ऐसा दूसरा कैंडिडेट नहीं मिलेगा। exactly. तो पहली बात है, अपनी स्किल को उस लेवल तक आप पहुंचाइए जहां पे आप इरिप्लेसेबल हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी बात है, जो बहुत स्टूडेंट्स को सर नहीं पता होता है कि नेगोशिएशन हम कर सकते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स को नहीं पता होता है कि हम सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको एचआर ने बता दिया कि 5 लाख मिलेगा तो आप राजी हो गए, हाँ हमें 5 लाख मिल रहे हैं। डोंट स्टॉप देयर, ठीक है, वहाँ पे रुकना exactly. नहीं है exactly. है ना, हमें नेगोशिएट करना है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया तो आप अपने स्किल के बल पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि नहीं मुझे 6 लाख चाहिए, मुझे 6.5 चाहिए। एंड द एचआर विल बी हैप्पी कि आप जॉब के लिए इतना सीरियस हो कि आप मांग रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचिए कि हम नहीं मांग सकते, या आप हेजिटेट कर रहे हैं क्या मैं बोल सकता हूँ नहीं, क्योंकि ये जॉब आपको 1 साल तक 2 साल तक 5 साल तक करनी है। तो आपको नेगोशिएशन स्किल चाहिए। तो ये जब आप इसको रैप अप करते हुए कि एक शॉर्ट टाइम पे अच्छी सैलरी कैसे अर्न करें, तो इसमें ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आपका मेंटर सही होना चाहिए। ओके, इफ़ यू हैव द राइट मेंटर देन आप बहुत जल्दी से भाषा को भी सीख सकते हैं, इंटरव्यू स्किल्स अपना सकते हैं कि कैसे बहुत अच्छे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि लिंगुआ पॉल में जब हम कोर्सेज कराते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारा कोर्स कर रहा है वो जॉब पाने के लिए कर रहा है। exactly, yes. तो वहाँ पे हम पूरी तरह फोकस रखते हैं कि कॉर्पोरेट में आपको कैसे पेश आना है, कैसे इंटरव्यू क्लियर करनी है, किस तरह से कौन से सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो आप जिस तरह से आप इंप्रेशन अपना बनाएंगे ताकि आप इरिप्लेसेबल लग पाए, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो एक दूसरी लैंग्वेज में, जैसे आप नया पोर्चुगीज लैंग्वेज सीख रहे हैं तो पोर्चुगीज लैंग्वेज में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को उस लेवल पे कैसे ले जाएं कि इंटरव्यूअर आपको छोड़ के दूसरे का सोचे ही ना, बिल्कुल बिल्कुल वो सोच ही ले कि इसी को हायर करना exactly, है। ठीक है,
लिंगुआ पॉल में हम इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि कॉरपोरेट वे में आप खुद को कैसे प्रेजेंट करें, प्रोफेशनल तरीके से कैसे प्रेजेंट करें, और इंटरव्यू देते समय जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है तो उसमें भी हम बिल्कुल हैंड होल्डिंग के साथ आपको मदद करते हैं कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में पेश आना है और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आप नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं. सो वी फोकस ऑन दैट. तो टू रैप दिस अप, आपको अगर लैंग्वेज अच्छे से सीखना है, आसानी से सीखना है, अच्छा सा जॉब करना है, अच्छी सैलरी अर्न करनी है, तो चूज योर मेंटर वेरी केयरफुली. थैंक यू राका मैम, आपने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज सीख के जॉब लेना बिल्कुल अलग बात है, और लैंग्वेज सीखने के बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को या अपने इंटरव्यूज इंटरपर्सनल स्किल्स को भी, मैं कहूँगा इंटरव्यू की टेक्निक्स को भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत उसके साथ साथ आपको राइट मेंटर वो चीज़ बता पाए कि भाई फेलियर्स कब कब आ सकते हैं, आप सक्सेस कैसे ले सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था. और मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस करा है, क्योंकि लोग इतना ना क्लियरली बताते नहीं है. देखिए, मैं भी जापानीज लैंग्वेज में पढ़ाता भी हूँ, वीडियोज़ भी बनाता हूँ, लेकिन मैं भी इतना क्लियरली नहीं बता पाता हूँ, तो मैं आगे कैसे कोशिश करूँगा कि मैं भी क्लियरली बता पाऊँ. और फाइनली इस तरह के पॉडकास्ट, इस तरह के वीडियोज़ हम आगे भी डालेंगे, जिसमें आपको ना सभी लैंग्वेजेस को आपको दूसरे किसी इंफॉर्मेशन के लिए जाना ही ना पड़े, सभी लैंग्वेजेस के सभी एंगल्स को हम क्लियर और कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सैलरी हो, डिफ़िकल्टी लेवल हो, टाइमलाइन हो, एडमिशन प्रोसेस हो. तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ. लिंगुआ पोल इज़ फॉर यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड निहोंगो मैक्स इज़ फॉर जापानीज लैंग्वेज. आपने नंबर्स हमारे देख ही लिए होंगे, आप हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, हमारी साइट को भी सर्च कर सकते हैं, और हमसे कोई भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जो कि हम एड्रेस नहीं कर पाए हों, तो ज़रूर ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस पूछ के अपना आंसर ले सकते हैं. सो गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर.